शाहबाद में आंदोलनकारी किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में चेयरमैन पद से इस्तीफा देने वाले जेजेपी विधायक रामकरण काला इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। वजह कई है क्योंकि रामकरण काला ने जिस इस्तीफे का ऐलान 3 दिन पहले ही कर दिया था वो इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है और शायद वो मंजूर ही ना हो। जी हाँ, दरअसल कैथल पहुंचे जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला का कहना है कि इस्तीफा देने से कोई भी मसला हल नहीं होता। इससे पहले भी अभय चौटाला समेत कई लोग इस मुद्दे पर इस्तीफा दे चुके हैं मगर उससे कोई हल नहीं निकला। अजय ने कहा कि रामकरण काला का इस्तीफा दुष्यंत चौटाला के पास है और मैं अपने विधायक को समझाऊंगा कि वो अपना इस्तीफा वापस ले ले। ऐसा तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो उनसे जाकर के मिले हैं एमएसपी प्राइस के लिए, और मध्यस्थता विधायक क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर सकता है, वो उसने की है अपने लेवल पे। मुख्यमंत्री जी के पास नहीं भेजा, उन्होंने उप मुख्यमंत्री को दिया है। और कल हमारी विधायक दल की मीटिंग है, हम उसमें उनको बताएंगे कि इस्तीफों से समाधान नहीं होता। इस्तीफे तो मैंने अभी अनाउंस किया था ना, पूछा था लोगों से भी कि हरसिमरत कौर बादल ने दिया था केंद्र की सरकार से, मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने दिया था विधायक बने से, कोई हल निकला? कोई समाधान हुआ क्या? इस्तीफों से समाधान नहीं होते, समाधान बातचीत के जरिए होते हैं। मैं रामकरण काला जी से निवेदन करूंगा कि वो इस्तीफा वापस ले लें, हम बातचीत के जरिए समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी पोलाइट हैं, वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी प्राइस में भावांतर है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे, किसान को कंपनसेट करेंगे। दरअसल बीते दिनों सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर किसानों ने शाहबाद में जीटी रोड पर जाम कर दिया था। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों पर बल प्रयोग किया और उन पर लाठियां भी भांजी। ऐसे में नाराज जेजेपी विधायक रामकरण काला ने हरियाणा शुगर फेडरेशन बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन आज तक विधायक का इस्तीफा मुख्यमंत्री व सरकार तक नहीं पहुंचा है। बता दें कि बीते दिन रामकरण काला के इस्तीफे पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चुटकी ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं जेजेपी विधायक का इस्तीफा ढूंढ रहा हूं, न जाने किसे और कहां दे दिया है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।